हाँ वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आज इस वीडियो में आप व्लॉग में आप देखोगे कि कैसे मेरी जर्नी ये हफ्ते पूरा डिस्टॉर्टेड रहा। एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक एक एक क्लिप आया है, एक एक दिन का एक एक क्लिप आया है। कुछ कुछ क्लिप मिसिंग है, डेट मिसिंग है, और मेरे अंदर जो बीता वो सब कुछ इसी व्लॉग में देखोगे। और साथ में मैं सारे एग्जाम में पास भी हो गया इस सेमेस्टर का, वो भी आप देखोगे। और एक एग्जाम बाकी है, उसका ब्लॉग अगले दिन आएगा। टेंथ ऑफ जुलाई हम लोग गलत बस में बैठ गए थे, तो कॉलेज जाना था, कॉलेज की जगह कहीं और आ गए, मगर सामने का व्यू भी वर्थ इट है। वाओ क्लास खत्म हो गए थे, उसके बाद हम लोग आए थे कुछ खाना खाने, क्योंकि इसके बाद हरमन को TRC ऑफिस भी जाना है और मेरे को भी जाना है, उसके बाद वहाँ से क्लास जाना है। तो अभी अगर कुछ नहीं खाऊंगा फिर तो कब खाऊंगा ये भी नहीं पता। और ये है नंबर वन शॉप, शॉर्मा शॉप टाइप का कुछ तो लिखा है इसके जॉर्जियन में, मुझे पता नहीं है। सो वहाँ से मार्जिन खाने आने के बाद मैं आया था पब्लिक टाउन हॉल, मेरे एक दोस्त को मिला नहीं था TRC उस दिन, तो आज उसका TRC मिल चुका है और मेरे पास बहुत सा टाइम है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे पार्क में बैठूँगा आधा घंटा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा अपने क्लास के लिए। इधर हवा आज बहुत तेज हो रखा है। क्लास जाने के बाद चाय बनाई, चाय पिया, मतलब अरुण ने बनाई, उन्हें पिया। उसके बाद से 6 बजे आ गए थे, नहीं 5:15 पे आए थे, और अभी 9 बजने जा रहा है। 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 3 घंटे 9 बजने जा रहा है, मतलब 4 घंटे बोल सकते हो। इतना बोर हो रहा हूँ, इतना बोर हो रहा हूँ क्या बताऊँ। मगर हाँ, शुरू के 1 घंटे बहुत अच्छे से गए, क्योंकि मेरे किस दोस्त के कॉल आए थे जो कि यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, अभी भी हैं, तो उनका क्रॉप का रिजल्ट आया, तो कुछ कुछ बच्चों का बहुत ही अच्छा है, कुछ कुछ को बस पासिंग हुए ऐसा मतलब सुनने में आया, और पैटर्न चेंज हुआ है यूक्रेन का, सो इसीलिए उनका अभी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। मगर जो भी है, जैसे भी उनसे बात की, उसके बाद मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तो अभी क्या सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मैं गाना वाना सुनूंगा, एक वीडियो एडिट करूँगा और सो जाऊँगा। कल क्लास से आके जबरदस्त पढ़ाई करूँगा, बहुत खतरनाक। आज तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, अगर वीडियो एडिट करने के बाद भी टाइम बचता है तो फिर पढ़ाई करूँगा, नहीं तो क्या पढ़ाई करूँगा यार, मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने में अभी। कैसे दिखा रहे July 11th, और आज मैं क्लास के लिए आया हूँ अकेला, क्योंकि हॉस्टल में कुछ फिर से पंगा हो गया। पंगा इस बात का हुआ है, ओनर आई थी एकदम से, आके बोली कि तुम्हें हॉस्टल से निकाल देंगे, क्योंकि रीज़न ये था, मैं हाँ पढ़ा हूँ थोड़ा सा, रीज़न ये था क्योंकि जो बर्तन थे वो बहुत ही कम थे, जो किचन में रखना होता है वो सबके यूज़ के लिए, ठीक है यूज़ करो रख दो, मगर लोग उसको चोरी करके ले चले गए, जो लोग छोड़ के गए उसके बाद से नहीं मिल रहा है, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जो लोग छोड़ के गए वही लोग ले गए, आगे का कुछ पता नहीं। मगर मेरे को ये क्लास मिस नहीं करना था,
कि मेरा दो छुट्टी हो चुका था और ये तीसरा छुट्टी लगाना नहीं चाहता था मैं, इसलिए मैं क्लास आ गया हूँ। क्लास करके फिर निकलते हैं, फिर शाम को बताता हूँ अपडेट क्या रहा है। वैसे अभी जो क्लास आया हूँ ये एंडोक्राइनोलॉजी की क्लास, ये लगता है वाजा पाश लिया। लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम चल रही है और ऊपर से ये वाला पंगा अलग से नहीं चाहिए यार, मगर प्रॉब्लम फेस करना भी एक ऐसा होता है कि लाइफ का पार्ट है। जब तक तुम प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे तब तक तुम लाइफ से कुछ नहीं सीखोगे। तो ठीक है, डीलिंग विथ इट। गुड मॉर्निंग, 12th of July, क्या बोलूँ, गुड मॉर्निंग या बैड मॉर्निंग। हमारा सारे दोस्त जितने भी थे कल, जैसे हम लोग पैकिंग कर रहे थे, वो सारे के सारे निकल गए। और इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा सच्चाई क्या है और यहाँ पे क्या चल रहा है। लिटरली यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। सो क्लास के लिए तो ऑलमोस्ट आ चुका हूँ, फिर यहाँ से दिखने में जो व्यू लगता है ना, वाव, बहुत सही व्यू आता है। मगर ये जो सामने ऊपर बिल्डिंग देख रहे हो लेफ्ट साइड, यहाँ से उस दिन किसी ने केक फेंक के मारा था और मेरे एक दोस्त का पूरे हाथ पे गिरा था। ऊपर से किसी ने ऐसे केक फेंक दिया, मुझे लगा किसी मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ होगा, जैसे अनयूजुअल होता ही है, मतलब यूजुअल होता ही है, तो लड़ाई करते करते ऊपर से केक ही फेंक दिया पूरा। बस दो तीन बार मैं चश्मा लेके आया हूँ, मैं रोज़ भूल जाता हूँ इस पर, अब इतनी धूप होती है, आज नहीं भूला हूँ। और आज फर्स्ट लेग पहन के जो नया वाला खरीदा था वो कल पैकिंग करते करते कहाँ रख दिया पता नहीं, वो मिल ही नहीं रहा, कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर ये ब्लैक वाला पहन के आया। आज जाकर सिर से सारे कपड़े निकालने, वैसे मैं रूम चेंज करूँगा, 205 में रहता था उसको चेंज करके 302 करूँगा, देखता हूँ वो बेटर रहेगा। फिर लाइक दो रूम में दो लोग रहेंगे ना, तीन लोग रहते तो उससे बढ़िया दो लोग हो जाएंगे, शायद हरमन या ऋतिक पूरे में से कोई भी एक आ जाएगा साथ में, हरमन ही आएगा जितना मुझे लगता है। उद्देश्य अगर नेक हो तो आपको हर कोई आपके साथ खड़ा होता है। 15th of July, अभी 3 बज रहा है टाइम, और ये थोड़ा सा रूम आपके लिए नया दिखेगा क्योंकि मुझे शिफ्ट होना पड़ा एक नए हॉस्टल में, और इस हॉस्टल में मैं और ऋत्विक रहते हैं, बाकी सब बिछड़ गए, अलग अलग हो गए। किस लिए? क्योंकि हमारा एजेंट जो था वो बहुत ही बेकार था, गाली निकल रही थी, मैंने उसको रोका। तो छोड़ो, बात यहाँ पे अब सेटल हो चुका हूँ। पिछले 3 दिन से ढंग से खाना नहीं खा पाया था, मतलब ढंग से सो भी नहीं पाया था, मगर कल रात को थोड़ा सा चैन की नींद आई है। सुबह उठा हूँ, उठकर पढ़ाई चल रही है, बहुत दिनों बाद टीचर को मेल किया था कि लाइक मैम मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्लास, वजह ये है। तो टीचर भी मान गई, तो बोला कि मंडे से रोज़ आ जाना। वैसे आज बता देता हूँ सैटरडे है, सो परसों से रोज जाना है। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, मैं आया हूँ शॉर्मा खाने, क्योंकि अभी तक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए सोचा कि कुछ खा लेते, शॉर्मा वगैरह खाएंगे और उसके बाद चलते। छोटू सा ले रहा हूँ, कोई 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 ना,
गुड मॉर्निंग। 18th of July आज है एंडोक्राइनोलॉजी का एग्ज़ाम, तो पूरे हफ्ते का तो मैं दिखा नहीं पाया हूँ क्योंकि पूरे हफ्ते मेरे साथ जो बीता है उसके लिए अलग से ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा। बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं बाकी और भी 30 बच्चों के साथ हुआ है पूरा। सो क्या क्या हुआ है वो आराम से एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। मैं अगर एक्सप्लेन करने लग गया तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। बात यह है अब 18th of July एंडोक्राइनोलॉजी का एग्ज़ाम है और साथ में पैरासाइटोलॉजी का भी क्लास है। सुबह के अभी टाइम हो रहा है 7:56 और मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए क्लास, जो कि यूनिवर्सिटी में क्लास लगेगी और यूनिवर्सिटी में क्लास करने के बाद एंडोक्राइनोलॉजी के लिए जाना है। प्रिपरेशन ऐसा है कि आता सब है, बस जो पूछो उसके अलावा कोई नहीं। अभी थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहा हूँ मैं, वैसे अभी पैरासाइटोलॉजी पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्लास है पैरासाइटोलॉजी का, तो एक बार वो पढ़ लेता हूँ और फिर पैरासाइटोलॉजी क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटा टाइम मिलता है उसमें वो सब पढ़ूँगा मैं। हर बार एग्ज़ाम वाले दिन फटती रहती है, डर लगता है अंदर से, अजीब सा होता है, तो कोई नहीं अभी तो एग्ज़ाम के लिए निकल पड़ा हूँ, मतलब क्लास के लिए, और क्लास के बाद एग्ज़ाम है। आई थिंक मैं बहुत अच्छे से पास हो जाऊँगा, थिंक क्या हो ही जाऊँगा, जस्ट अभी जाना है जाके ये क्लास हो जाए जल्दी से, मेरे ओरल ले ले, ओरल क्वेश्चंस पूछ ले मैम, उसके बाद मैं भी फ्री, मैम भी फिर पढ़ाते रहेगी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मुझे फिर से पढ़ना होगा। धूप बहुत ही जी रखा है, ओह सो ये है अपना लाइब्रेरी सबसे 4th फ्लोर पे और उसके सामने है कैंटीन। क्या खूबसूरत कैंटीन है, अभी तो कोई भी नहीं आया, मैं अकेले आया हूँ, तो अभी थोड़ा बहुत पढ़ लेते जो टीचर पूछेगी। वैसे देखो क्या खूबसूरत नहीं है, मेरा यूनिवर्सिटी सच में बहुत ही खूबसूरत है। सो मैं क्लास हो चुका था कम्प्लीट, अभी मैं आया हूँ एक्सचेंज से, उन्होंने पैसे दिए थे मेरे को $40 और भी खाने के देने, सो रेट कुछ ऐसे चल रहा है एक्सचेंज का। और ऋत्विक अंदर गए, बादल बहुत मस्त हो रखा है। सो मार्जेश्वली में ये जो एरिया है ना, ये एरिया है तो पॉर्श एरिया, मगर यहाँ का जो मैकडी है और बाथरूम का मैकडी है वो वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत कम, मतलब रैंकिंग में आता है कि खूबसूरत ऐसा एक मैकडी है, और बाथरूम वाला तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो शीशे के ऊपर बना हुआ। वो कभी कभी जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा। अरे ऋत्विक गए अंदर, वेट कर रहा हूँ मैं बाहर, धूप बहुत तेज हो रखी है। सब खाना खाने आए, खाना खा के जल्दी निकलना पड़ेगा, एग्जाम भी है। गुड मॉर्निंग, टुडे इज 19th of July और आज लास्ट क्लास हो चुका है पैरासाइटोलॉजी का, और हम लोग, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। ये शॉप का कुछ मेन्यू ये है, और इसमें चलो जाके देखता हूँ क्या क्या है अंदर।
सो जस्ट क्लास से अभी आया हूँ और आने के बाद ये खाना, वाव टेस्टी तो है, देख के लग रहा है, पता नहीं खा के पता नहीं। शाम के अभी 7 बजने का हो रहा है टाइम और मेरे को अभी जाना है अकमत अली थिएटर, क्योंकि अकमत अली थिएटर में अरुबा और खालिद वगैरह सब है, वहाँ पे मूवी देखने का प्लान बन रहा है और आज हम लोग सब मिलकर मूवी देखने जाएंगे और मूवी है मिशन इम्पॉसिबल। तो मेरे को अभी यहाँ से मेट्रो लेना है, मेट्रो में कुछ 35 मिनट्स लगेंगे ईसानी टू अकमत अली, उसके बाद पहुँचूँगा मैं वहाँ पर मूवी, मतलब पहले उनके पहले फ्लैट जाऊँगा उसके बाद। सो हम लोग पहुँच गए तिब्लिसी मॉल और तिब्लिसी मॉल के ऊपर होगा हमारा जो मूवी थिएटर है, तो ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके दिखाते हैं आपसे। मूवी थिएटर आगे है, सिनेमा लिखा हुआ है कैवेरा और बाकी यहाँ पे प्रोटीन 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 गेनर प्रोटीन ब्यूटी, बहुत सही लग रहा है। जैसे मुंबई एयरपोर्ट जैसा, वही तो मुंबई एयरपोर्ट का ही ऐसा लग रहा है। मूवी के लिए तो जाएंगे पहले, उससे पहले कुछ जूस वगैरह कुछ उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलाउ है कि तुम बाहर से भी कुछ ले जा सकते हो, तो शायद मैं प्रेफर करूँगा कि कोक का या कुछ और उठाने की। 2 लीटर चलो ये ले लेते हैं। ये जो कैरीफोर, ये तिब्लिसी का सबसे बड़ा कैरीफोर है और हम लोग ग्लास ढूँढे क्योंकि हमने पेप्सी उठा लिया है अभी ग्लास, ये नहीं तो बिना ग्लास के कैसे डालेंगे, वही एक दिक्कत आ रही है हमें। सो मूवी देख के अभी निकले हैं, 1:15 बज रहा है टाइम और अभी टैक्सी करेंगे चलेंगे